यस, थोड़ा लास्ट ईयर का अगर हम बात करें तो काफी वोलाटाइल रहा, फिर भी इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में अपना क्लोज हो गया। मुझे लगता है कि आने वाला साल भी अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो वोलाटाइल रहेगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ तक, और सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्टिविटी वापस पॉजिटिव साइड्स में बढ़ता हुआ दिखेगा। रेंज मुझे अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म का देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी के लिए मुझे एक 18,000 का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मार्केट को। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो जब तक ये 18,000 के ऊपर चल रहा है मुझे लगता नहीं कोई बड़ा करेक्शन आ जाएगा। उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो मुझे निफ्टी लग रहा है वो 50-day सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, और दूसरा 20-day सिंपल मूविंग एवरेज। अगर हम लेवल वाइज देखें तो 18,300 और 18,450 ये ऊपर में लेवल आ सकते हैं, और अगर हम 18,000 के नीचे ट्रेड होना चालू हो गए तो मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस बढ़ेगा जो वापस 17,800 की तरफ जाएगा। सो बाइंग ऑन डीप सी मुझे अभी तक लग रहा है, जब तक 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो बाइंग ऑन डिप्स, जब तक 18,000 को एटलीस्ट निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पर रहेंगे। अगर 18,000 गया तो 17,800 भी शायद खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अमोल सर, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है, क्योंकि सो फार तो आउट परफॉर्मेंस वहां से आई है, तो ये आउट परफॉर्मेंस प्रिवेल करेगी, आगे क्या करना होगा? Yes, I think बैंक निफ्टी जो एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ जो लास्ट वीक में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, तो मुझे मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी का फॉर्मेशन बेटर लग रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो 20-day सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि 42,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, जहाँ पे 50-day सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। और अगर ऊपर में देखेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे लग रहा है वो 43,600 का है, उसके ऊपर हम बैंक निफ्टी को 44,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। कंसोलिडेशन ही है बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली बाइंग साइड में ही कन्वर्ट होना चाहिए।